हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुदा, जमाने से हम नहीं। सबको मिलकर लेकर चलने वाली वो एक ही पार्टी है, जनता दल सेकुलर। दिल्ली से दिल्ली तक हमारी हुकूमत एक जो हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम थी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारी पार्टी एक शमा है, उसको जो है फानूस बनकर जो है हिफाजत से रख रहा है। कब से 1977 में जनता पार्टी की सिर से उभरा और वो पूरे जो है हिंदुस्तान में मशहूर हुई। फिर उसके बाद जनता दल जब बना तो यदि देवगढ़ा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनकर पूरे हिंदुस्तान में इस पार्टी का जो है उभारा उन्होंने। उसके बाद जे एच पटेल साहब सीएम बने तो उन्होंने बीजेपी का हाथ पकड़ा, तब देवगढ़ा साहब नाराज होकर जनता दल सेकुलर बनाया उन्होंने। और जनता दल सेकुलर बनाने के बाद में जब असेंबली इलेक्शन आया, कुमार स्वामी साहब जो है चीफ मिनिस्टर बने और कर्नाटक में ये जनता दल सेकुलर आज तक जो है भरपूर कामयाबी से चल रही है। जब जनता दल पार्टी थी, देवगढ़ा वजीर आजम थे, सीएम इब्राहिम, चार पोर्टफोलियो के जो सेंटर जो मिनिस्टर कुमार खमरुल इस्लाम साहब एमपी, खैसर महमूद बनियार एमएलए, कारपोरेशन में हमारी हुकूमत, दिल्ली से दिल्ली तक हमारी हुकूमत एक जो हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम थी। आज भी हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है मिलजुल कर रहने का, एक बड़ा ही अच्छा मजमून नासिर उस्ताद साहब हमारी पार्टी ने रखा है। यह वक्त की पुकार है, जमीर की आवाज है। हम सबको मिलजुल कर रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर लेकर चलने वाली वो एक ही पार्टी है, जनता दल सेकुलर। आज जो है जब जनता पार्टी थी तो हमारे सादत हुसैन उस्ताद साहब एमएलए को ठहरे और काफी हिम्मत से जो है ना खमरुल इस्लाम के सामने ठहर कर मुकाबला किया। आज उन्हीं के फर्जंद नासिर हुसैन उस्ताद भी वही जज्बा वही कोशिश लेकर पब्लिक के सामने आ रहे हैं। हम उनको हिम्मत देना, उनका साथ देना, कुमार स्वामी का हाथ मजबूत करना और आगे जो हमें जो जनता दल सेकुलर की हुकूमत बनाकर कुमार स्वामी को जो है सीएम बनाना है। यही इतना कहते हुए, वक्त की कमी है, इतना कहते हुए इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज़। एक शेर बोलकर, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुदा, जमाने से हम नहीं।